यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26 यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26 ग्यारहवें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, हा हा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं, और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेगी जैसे समुद्र की लहरें उठती है, और वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और वह जाति जाति से लूट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में है वे तलवार से मारी जाएगी, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा, और तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा, और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूली से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेंगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे, और लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूली वे जल में फेंक देंगे, और मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देंगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यो कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझमें घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तीर के सब प्रधान और अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे, और वे तेरे विषय विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थ्य थी और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहां तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोग में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।